आ चुके हैं अपने गांव की दुकान में। तो ये रोड है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है मंदिर जाने का। तो अभी दुकान से लेना है धूप और बतासे का। तो यहाँ पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं, वो मैंने पहले भी बताया था। और इसके जस्ट पीछे देवी का मंदिर होता है ना, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ और मन शांत होता है। तो ऐसे ही आज अपना हाल है। अरे पुलम के बगीचे तो छोटे छोटे दाने आ गए इस पे। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो सुबह की शुरुआत होती है पूजा पाठ से और आज है दूसरी नवरात्रि। तो माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव के मंदिर में और पूजा का सामान मैंने रख लिया है। और जो हमारे गांव का पौराणिक मंदिर है वो भी आपको देखने को मिलेगा और माँ भगवती के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। बाकी सारा पूजा का सामान मैंने रख लिया है, तो चलते हैं फिर। तो हम लोग आ चुके हैं अपने गांव की दुकान में। तो ये रोड है और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है मंदिर जाने का। तो अभी दुकान से लेना है धूप और बतासे। धूप और बतासे देने ब्लॉग बना रहे हैं। धूप होगी ना? हाँ धूप रख देना और बता से। बस हो गया। बता से कैसे 10-20 ग्राम रख दो। ये कितने की है दुकान? दस के बता सकते यही होंगे। तो ये है गांव की छोटी सी दुकान जिसमें जरूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये है हमारी नई नवेली दुल्हना। मैं भी पहली बार देख रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। तो पूजा का ससुराल है ऊपर, नीचे दुकान। सही है ना, घर में ही रोजगार। चलिए जी, हम पहुंच गए हैं अपने मंदिर में। तो ये मंदिर है सेम भगवान जी का, सेम जी का। तो यहाँ पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं, वो मैंने पहले भी बताया था। और इसके जस्ट पीछे है माँ भगवती का मंदिर, तो उधर चलेंगे हम। तो अपने मंदिर में आगरा काफ़ी सुकून मिलता है। मतलब सच में यहाँ की मान्यता जो है ना, वो हमें महसूस होती है कि वाकई में यहाँ पर कुछ है। मतलब मंदिर में जो सुकून मिलता है ना, वो हमारे मंदिर में मिलता है। तो दिखाते हैं आपको मंदिर और करते हैं पूजा पाठ की तैयारी। तो मेरे साथ आई है निकिता, जिसने मेरे फ़ोन पकड़ने में काफ़ी मदद की है। और ये है हमारे बजरंगबली का मंदिर यहाँ पे, जय हो। और यहाँ है सेम जी का मंदिर और ये है खूब विशाल पेड़ जो वर्षों से ऐसी है।
फिर निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोग गांव के मंदिर से आ गए हैं और अब जाके थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट करने के बाद जो हमारे घर में जो कुल देवी का मंदिर होता है ना, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ, वहाँ पर भी पाठ करवाना है और माता के वस्त्र चढ़ाने हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं, जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा ऊपर। और मौसम में भी हल्के हल्के बादल आ रखे हैं, मतलब धुंध हो रही है और धूप तो तेज है ही है। तो चलिए फिर अब चलते हैं सीधे अपने कुल देवी के मंदिर। श्री महामंगलमूर्ति नमो सायक नागारी देवी सरस्वती नमो श्री दुर्गा देवी नमो सायक नाम सरस्वती नमो। तो पंडित जी ने कर दी है पाठ पूजा, तो यहाँ पे देवी का धाम। वैसे हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह मंदिर होते हैं, इसलिए देवभूमि उत्तराखंड कहा गया है। तो यहाँ से टीका वगैरह लेके अब हम जा रहे हैं। और ये देखिए हमारे पुलम के बगीचे, तो छोटे छोटे दाने आ गए इस पे, पहले फूल था फिर पत्तियाँ, अब छोटे छोटे पुलम देखो ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है। तो हम जा रहे हैं घर के लिए। चलिए जी, शाम का माहौल हो गया है और अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर अपना काम किया पूजा पाठ संपन्न होने के बाद। लेकिन काफ़ी खुशी मिलती है जब पूजा पाठ होती है और मन शांत होता है, तो ऐसे ही आज अपना हाल है। तो काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में जाने के बाद। और नवरात्रि तो चली रही है जो लगातार 9 दिन तक चलेंगी, यानी कि 17 तारीख तक, और उसके बाद फिर उद्यापन होएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलती हूँ जल्दी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।